जब अपने में प्रामाणिकता नहीं होती तो कमजोर होते हैं अंदर से। जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, उनकी चेतना का जो अभिव्यक्ति है वो प्रामाणिकता है, वो सहजता है, वो सरलता है। भाई ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं, आप बैठ के सोचो ना, आप बैठ के सोचोगे तो आपको भी कई बातें ऐसे सूझेगा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसके बारे में, उसके बारे में, ये सब सोचते रहोगे तो दिमाग ऐसे खराब होता रहेगा। मगर आप जीवन के सत्य पर नजर डालोगे, मैं कौन हूं, ये क्या है, मुझ में कमजोरी किस बात की लग रही है, तो कहे मेरी मन में ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, बोले ये इच्छा तो, ऐसी इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी, क्या बड़ी बात है, कितनी इच्छाएं उठी मेरे मन में पहले, वो सब पूरी तो हो ही गई, देर अबेर, कभी देर से होता है। जब दांत थे तो बादाम नहीं मिला, बादाम हो तो दांत चली गए। दाम बादाम कहो, मूंगफली कहो, दांत मजबूत थे तो मूंगफली हाथ में नहीं लगी, और मूंगफली हाथ में लगी तो दांत नहीं, बेदांत हो गए थे तब तक। ऐसे भी होता है भाई, मगर हम इन सब से बड़े हैं, ये समझ में आते, दृष्टि विशाल होते ही। इच्छाएं बुरी नहीं हैं, मगर इच्छाएं तुमसे बड़ी हो जाएं तो तुम मुसीबत में हो जाते हो। इच्छा दुखों का कारण है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। वो कब, जब इच्छाएं तुमसे प्रबल हो जाते, तुमसे बड़े हो जाते हैं, तब वो दुख लाती हैं। नहीं तो अच्छी इच्छाएं तो उठती हैं भाई, मन में संकल्प तो कहीं उठते हैं, अरे पेड़ लगाएं, घर को सुंदर रखें, सड़क को सुंदर रखें, हमारे शहर को सुंदर बनाएं, सब मिलजुल के रहें, साहित्य, कला, नृत्य, इन सब में रुचि लें, ये सब भी इच्छाएं हैं। सभी इच्छाएं दुखदाई ऐसा मत समझना। जब इच्छाएं हमसे प्रबल हो जाते हैं तब दुखदाई होते हैं, और हमारे अधीन रहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, और कम हो तो अच्छा है, कम इच्छाएं हो तो, नहीं तो इसकी सिलसिला ये तो बढ़ती जाती है। कुछ अच्छा काम करते हैं तो और अच्छा काम करने का मन होता है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा करे, मगर काम नहीं हो तो बैठ के रोने लग गए, ये ठीक नहीं, यहां मार खाओगे। इसीलिए हमारे यहाँ वो कहावत है ना, अच्छा कर और कुएं में डाल। तो किया हूं मैं ये भी स्मरण मत करो, इससे भी दुखी हो जाओगे तुम। मैंने ऐसा इतना किया, इतना क्या, क्या इतना क्या, खाक। सोच सोच के दुखी हो जाते हैं लोग, अरे मैंने 10 साल से ये किया, वो 15 साल से ये क्या क्या, क्या? कुछ किया होगा, कुछ अच्छा कर्म है, तुमको अच्छा काम करने के लिए मौका मिला, कर लिया, अच्छा है। नहीं तो पता नहीं क्या करते तुम, कहां चोरी चपाटे क्या करते रहते, कब का जेल चले जाते या कुछ गलत करके। कुछ अच्छा काम करने से, बुरा काम करने से तुम अपने आप को रोक पाए, नहीं तो कुछ गलत कर बैठते थे। ये तो ऐसा समझो, अच्छा हो भाई मुझे एक मौका मिला अच्छा काम करने का, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं करी जीवन में, और मैंने गलत कभी नहीं किया, इसका गर्व नहीं करना चाहिए। इसका ठीक है, वो स्वाभिमान रहना चाहिए, मगर वो ये नहीं सोचो कि मैं ही पवित्र हूँ, सारे सबको अपवित्र लगेंगे फिर, ऐसा नहीं। फिर उसी से भी हम परेशान हो जाते हैं, है ना, मैं ठीक हूं बाकी सब गलत है। ये बहुत, एक बहुत नाजुक बैलेंस है, क्या मैं ठीक हूं और लोग भी ठीक हैं, ये समझना। जब भी हमको लगता मैं ठीक हूं, उसका आधार यदि दूसरे गलत हैं होता है तो मैं ठीक नहीं होता तब, और सब गलत हैं मैं ठीक हूं, जैसे ये ठीक नहीं होता वैसे ही सभी ठीक है मैं ही गलत हूं, ये भी ठीक नहीं होता। ये उसी बात की शीर्षासन है,
सब कोई ठीक है, मैं ही नलायक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, पहले से जो भी काम करता हूँ सब चौपट हो जाता है, मेरा नसीब ही कुछ ऐसा है, मेरे मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं मर जाऊँ, मर जाता तो अच्छा, उसके लिए भी भाग्य नहीं है। मरने की चार बार चेष्टा करता हूँ तब भी नहीं हो पाता है। आज ही सुबह एक ऐसा व्यक्ति का फोन आ गया मेरे पास, चार बार कोशिश किया मैंने आत्महत्या करने, कोई नहीं पा रहा, आशीर्वाद दीजिए मैं जल्दी अपने आप को समाप्त कर लूं। देखिए क्या क्या आशीर्वाद मांगते भी, ये वही बात है, सब कोई ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं, वही बात है, मैं ही ठीक हूं, बाकी कोई ठीक नहीं है, मैं भी ठीक हूं और भी सब लोगों का भी अपने अपने ढंग से सब ठीक है, और सबको ठीक ठाक रखने वाला एक है, बस विश्राम करो। मैं उनका सिखाता, उनको सिखाता हूं कुछ, ये मत जाना सिखाने, ठीक है, सबक सिखाएंगे। क्रोध में तुम किसी को कुछ सिखा नहीं पाओगे, सबक सिखाने वाले कभी किसी को कभी आज तक सिखा नहीं पाए, ना सुधार पाए उनको, ना वो सुधरे। किसी को सुधारना हो तो उसके लिए बहुत करुणा चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, गाली गलौज सुनने के लिए तैयारी होनी चाहिए तुम्हारी अपनी, क्यों जिसको सुधारने जाते हो वही गाली देगा, वही गाली देते हैं, तो वो सब हम, हमारे भीतर इतना करुणा है, सहनशीलता होती है, तो किसी को सिखाने जाओ, नहीं तो भगवान भरोसे छोड़ दो उनको, भगवान सिखाएंगे और तुम आराम से बैठो, अपना अपना काम देखो, अपना सीखो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतना जान लेना चाहिए। देखिए इस देश में ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं, क्या बताएं, अद्भुत, बड़े दुर्जनम प्रथमम वंदे सुजनम तदनंतरम, जो गलत काम करता उसको पहले नमस्कार करो, क्यों वो अपना आप खुद अपने आप गड्ढे में गिरते हुए तुमको कुछ सिखा रहा है, भाई कितना त्याग किया उसने। सज्जन तो अपने अच्छे मार्ग पे चलते गए, उनके पग चिन्ह तुमको मिल गया तो पीछे पीछे जाने लगे, मगर दुर्जन जो है वो गिर के तुमको बता रहे, अरे भाई ऐसा मत कर, देखो मैं क्या भुगत रहा हूं, तू मत कर। इसलिए वो भी पूजनीय, माने उनको भी नमस्कार कर, माने इसका मतलब क्या है, तेरा मन को खाली कर दो, ये ऊपर की जो मंजिल है इसको बिना किराए के किसी के हवाले मत कर बैठना, कि हमारे ऊपर के मंजिल में कोई किराए कर बैठ जाता है, किराएदार किराए भी नहीं देता, खाली भी नहीं करता, परेशान करते रहते दिन रात, परेशान करते रहते, आप परेशान होते रहते हो, ठीक है ना, और दिए हम ही ने चाबी ताला उनको सौंप दिया, अरे आइए आइए बैठिए मेरे दिमाग में, अंदर आइए, नहीं निकालो उनको, अपना घर अपने पास रखो, खाली करो किराएदार को, यही साधना। साधना क्या है, जो हम अनजाने में सब किराएदारों को बसा रखे हैं, उनको हाथ पांव जोड़ करके बोलते खाली करो भाई, चलिए आप चलिए, हमें चाहिए दोनों जगह, हमारा परिवार बड़ा हो गया, ऊपर नीचे हम ही को चाहिए, ये कहना, यही साधना का लक्ष्य।